सैंडविच एक ऐसी चीज है जिसकी क्रेविंग आपको दिन में कभी किसी वक्त भी हो सकती है। आज मैं आपको अकुर्डी स्टेशन के पास पीसीएमसी में एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जो एक फूड कार्ट है और जहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के सैंडविच को ट्राई कर सकते हैं। सैंडविच के अलावा यहाँ पर मॉकटेल मिलती है, कोल्ड कॉफी मिलती है। सो ये सब चीजों को आज हम देखेंगे। मैं कुछ आइटम रिव्यू करूंगा एंड आई विल टेल यू कि इसका टेस्ट कैसा है। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम, लेट्स स्टार्ट। सैंडविच स्पॉट का ये फूड कार्ट आपको अकुर्डी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब में मिल जाएगा। इसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा दिखने वाला ये सैंडविच का फूड कार्ट काफ़ी अलग अलग वैरायटी की डिश सर्व करता है। इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा नज़र आता है। यहाँ पर दो लोग लगभग काम करते हैं और तरह तरह के सैंडविच को प्रिपेयर करके गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व करते हैं। पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से ये जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं वो है वेज सैंडविच। ये जो आउटलेट है ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। यहाँ पर आपको कुछ भी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं मिलेगा। तो जितने भी सैंडविच हैं, फ्राइज हैं, एवरीथिंग इज़ प्योर वेजिटेरियन। आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ यूज द कलर ग्रीन। तो ये बहुत ही बढ़िया सा वेज सैंडविच है। इन्होंने इसमें काफ़ी सारी वेजीज डाली है, जैसे खीरा हो गया, आलू हो गया, चटनी है पुदीने वाली फ्रेश। वो सर वो कुछ इस तरीके से करते हैं, इसके जो एजेस हैं उसको कट करके उसके बाद फिर केचप के साथ दिया जाता है। जो ब्रेड के स्लाइस हैं फ्रेश हैं, वेजीज की वजह से अच्छा क्रंच आ रहा है। जो इसे खास बनाता है ना वो इनकी चटनी, पुदीने की बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा एक फ्रेशनेस आती है। जब आप इसे केचप के साथ खाते हैं तो थोड़ा टैंगी टेस्ट भी आता है। जो इसमें आलू की लेयर यूज़ करी है उसकी वजह से आपका पेट भी इस सैंडविच से काफ़ी हद तक भर जाएगा। ये है तंदूरी पनीर सैंडविच। इसको इस तरीके से सर्व किया जाता है, वैसे ही स्प्रिंकल करके काफ़ी सारे ग्रीन्स, चुकंदर, गाजर, उसके अलावा आलू की चिप्स भी दी जाती है, थोड़ा सा तंदूरी जो सॉस है इनका वो, थोड़ा सा प्याज वगैरह। इसके अंदर की स्टफिंग भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, ऊपर से क्रंची लग रहा है। अगर आप ऐसे ग्रिल्ड सैंडविच के फ़ैन है ना तो इसे तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बिना केचप के और तंदूरी जो सॉस है उसको लगाए हुए भी इतना टेस्टी लग रहा है। अगर इसे केचप के साथ थोड़ा खाएंगे आप तो और भी ज़्यादा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत ही चटपटा काइंड ऑफ सैंडविच है, इसमें मिठास तो बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। केचप थोड़ी बहुत वो आप ऐड कर सकते हैं, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना पूरा चिप्स के साथ सर्व करना और इसका जो क्रंचीनेस है आउटसाइड का, अंदर की स्टफिंग, पनीर का जो एक अपना रिचनेस है, बहुत ही अच्छा बनाता है इस सैंडविच को। तो नमकीन का ये एक आखिरी आइटम है, ये है पेरी पेरी फ्राइज। तो ये इसे कुछ ऐसा केचप और जो इनका तंदूरी सॉस होता है उसके साथ सर्व करते हैं। ये देखिए काफ़ी बढ़िया फ्राइज है, इसके ऊपर से भी इन्होंने डाला हुआ है मसाला। नॉट टू मच स्पाइसी बट अगेन फ्लेवरफुल एट द सेम टाइम। क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसे आप चाहें तो केचप में ला के खाएँ इफ़ यू वॉन्ट टैंगी फ्लेवर, एंड इफ़ यू वॉन्ट लिटिल बिट स्पाइसी तंदूरी केचप में भी डाल के खा सकते हैं, तंदूरी सॉस नॉट केचप। बहुत ही बढ़िया है, क्रंची एंड डिलीशियस। तो ये है डेजर्ट चॉकलेट सैंडविच। पता नहीं इसे किसने इजाद किया, इतना ज़्यादा मीठा कोई कैसे खा सकता है। तीन लेयर से बनता है, ब्रेड की तीन लेयर यूज़ की जाती है, उसके बाद इसमें बीच में चॉकलेट की एक लेयर डाली जाती है, फिर इसे ये सर्व करते हैं ऊपर से चॉकलेट सिरप। आपको छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स नज़र आ रही होंगी, ये भी काफ़ी स्वीट होती हैं। ये जो रोल होता है उसके साथ डाल के ये सर्व किया जाता है, और हाँ ऊपर में एक चेरी भी है। तो अभी इसे खा के देखते हैं। ये देखो कितना सारा चॉकलेट है इसमें। इन्होंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, एकदम ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं करी है जिसकी वजह से खाने में अच्छा लग रहा है। आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ब्रेड की स्लाइस भी यूज़ की गई है। ऊपर जो इन्होंने डाला है ये छोटे छोटे, इससे ना काफ़ी अच्छा क्रंच आ रहा है खाने में। इट्स नॉट ओवर स्वीट, सो अगर आप मीठा नहीं भी पसंद करते ना तो भी अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम सैंडविच यहाँ पर काफ़ी सारी ड्रिंक्स भी मिलती हैं, मॉकटेल्स भी मिलती है। इसमें से मैंने दो अलग अलग कैटेगरी में से दो अलग चीज़ें ली हैं, जैसे कोल्ड कॉफ़ी और दूसरा है ये मॉकटेल, जो ग्रीन एप्पल है वो वाले फ्लेवर की मॉकटेल है। इसे बिल्कुल जैसे आपको KFC वगैरह में मिलेगा ना वैसे ही ग्लास में सर्व किया जाता है। इसमें पुदीना भी डाला है इन्होंने, क्रश्ड लाइम भी है। इसे ही पहले टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है ये। काफ़ी चिल्ड है, रिफ्रेशिंग है और ग्रीन एप्पल का हल्का सा फ्लेवर आएगा जो इन्होंने इसमें सिरप यूज़ किया उसकी वजह से अच्छा है। वैसे ब्लू लगून वगैरह भी मिलता है और जो मोहितो भी मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा लोग पीते हैं, बट मैंने कुछ अलग फ्लेवर ट्राई किया, अच्छा लगा काफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चलती है एज़ पर द ओनर वो है कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, क्राउड कॉलेज के स्टूडेंट्स का रहता है। सो दिस इज़ मोर यू नो लाइक फेमस इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। इसे भी टेस्ट करके देखते हैं।
पहला इंप्रेशन तो ये कि इट्स नॉट दैट थिक, एकदम ज़्यादा थिक नहीं है, बट फ्लेवर इज इम्पॉर्टेंट, लेट्स चेक दैट। ऊपर से इन्होंने चॉकलेट पाउडर और चॉकलेट सिरप डाला है, कॉफ़ी का अच्छा खासा फ्लेवर आ रहा है एंड द बेस्ट थिंग इज इट्स नॉट ओवरली स्वीटेंड, जिसकी वजह से मिठास इतनी है कि जितना पीने में मज़ा आएगा। दोनों ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी है बट मेरी पर्सनल चॉइस आप पूछे तो आई विल गो विथ मॉकटेल, बिकॉज कोल्ड कॉफ़ी तो आप पीते रहते हैं बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली डिलीशियस और ये सैंडविच वगैरह के साथ काफ़ी अच्छी जाएगी। तो ये था रिव्यू सैंडविच स्पॉट पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, आगे ट्राई ज़रूर करें, पॉकेट फ्रेंडली है, इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आए खाएं, ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।